मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज बरोज मंगल हमारे मालेगांव शहर के लिए एक दुख भरी खबर है कि मौलाना कंपाउंड से शादी के लिए रवाना हुए हमारे एक स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर तकरीबन 7 लोग सवार थे और ये मौलाना कंपाउंड से तकरीबन 7 बजे निकले। ये शहादा जा रहे थे शादी में, तो साकरी रोड के ऊपर इनके साथ एक हादसा हुआ और वो गाड़ी जगह पर मतलब एक्सीडेंट हुआ और पलट गई गाड़ी। तो स्कॉर्पियो गाड़ी है और मौलाना कंपाउंड के एक बच्चा मौलाना कंपाउंड का था और एक बच्चा चूना भट्टी का था और तकरीबन ये लोग 7 लोग थे। तो मौलाना कंपाउंड से ये लोग निकले थे और शहादा जा रहे थे, तो रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से 6 लोगों को मतलब एकदम ज़्यादा चोटें लगी है, जिसमें से 4 लोगों को वहाँ के सिफा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग एडमिट है सिफा हॉस्पिटल के अंदर। मुझे जिस वक्त सुबह हमारे मुफ्ती साहब के जो पीए हैं खालिद सिकंदर, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि शफीक भाई ऐसे ऐसा मामला है, तो मैंने हमारे दोस्त है धूलिए के उनको फ़ोन करके स्पॉट पर भेजा और उनको भेजने के बाद उन्होंने उनको ले जाकर 4 लोगों को सिफा में एडमिट करवाया और 2 लोगों की डेड बॉडी उठाकर उन्होंने सिविल हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद हम लोगों ने मौलाना कंपाउंड से हमारे मसूद भाई जो है, तो मसूद भाई को वहाँ पर भेजा। अभी मसूद भाई वहाँ पर है, डॉक्टरों से हमारी पूरी बातचीत वगैरह चल रही है और जो हमारी टीम के लोग थे वहाँ से अमीन पटेल साहब भी वहाँ पर मौजूद है और जो सोशल वर्कर थे वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में उनकी डेड बॉडी वहाँ से निकाल कर दे दी जाएगी, तो वो लोग धूलिए से लेकर मालेगांव के लिए रवाना होंगे। एक बच्चे का नाम है मोहम्मद अनस, जो कि ये चूना भट्टी का रहने वाला है, और एक बच्चे का नाम है साद आमिर, ये मौलाना कंपाउंड का रहने वाला है। दोनों की उम्र, एक की उम्र 22 साल है और एक की उम्र 23 साल है।